अंधेरे का दौर शुरू हुआ। ये पिछले दौर में कुछ इस्लामाइजेशन हुई, अल्लाह के नबी की बात होना शुरू हो गई, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन का तराना सारी कौम को याद करवाया गया, सीरतुन नबी की बातें हुई और यकसा निजाम में तालीम की बातें हुई। फिर दोबारा इस्लामियात को, फिर दोबारा दीनियात को इस्लाम की किताबों में शामिल किया गया। थोड़ा करारदाद मकासद के अंदर वाइब्रेशन लाई गई, करारदाद मकासद को हिलाया गया, रियासत मदीना का तसव्वुर इंटोस का करवाया गया कि हम मदीने की रियासत करेंगे, चाहे जितना भी अमल दरामद हुआ। लेकिन मुझे तारिक जमील साहब की वो बात बड़ी अच्छी लगती है, कहते हैं तुम मेरे ऊपर तनकीद ना करो कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं। कहता है मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी किसी मदीने गए तो बहुत है, मदीने गए सब हैं, लेकिन मदीने की बात किसी ने नहीं की, मदीने वाले की बात किसी ने नहीं की। कहता है आखिर चलो जितना भी अमल, बात तो हुई, चैप्टर तो खुला, किताब जो खाली थी, सफा जो सफेद था, जो हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ कुफर और इलाहाद छाया हुआ था, अमेरिका की गुलामी थी, आईएमएफ के कर्जों की शरायत की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के दरवाजों को बंद किया जा रहा था। वो कहते हैं चलो कुछ तो खुला है ना, कुछ तो शुरू हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो भी बयना तौर पर, मुबैना तौर पर, वाजे तौर पर आज बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम ये साबित कर दें कि पिछली हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं हुई। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी, आने वाले वक्तों में कुछ हो जाए तो मुझे, मैं हाल की घड़ी बात कर रहा हूं, अमली तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि अमेरिका ने दबाव डालकर, प्रेशर डालकर, गन पॉइंट पर थ्रेट